क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। न्यूजीलैंड की धरती पर भारत की लगातार तीसरी जीत दर्ज हो चुकी है और इसी के साथ भारत ने वनडे सीरीज पर 3-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब चौथा वनडे 31 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। चौथे वनडे के कप्तान विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा होंगे। भारत सीरीज पर भले ही कब्जा जमा चुका है मगर रोहित के लिए सबसे बड़ा झटका है भारत के बॉलर पर लगा ICC का बैन। भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू को इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी से सस्पेंड कर दिया गया है। ICC ने खुद ये जानकारी दी। ICC के मुताबिक रायडू का बॉलिंग एक्शन संदिग्ध था और इसी के चलते उन पर ये बैन लगाया गया है। ICC के नियमों के मुताबिक जब किसी क्रिकेटर का गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध पाया जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर अपने बॉलिंग एक्शन का टेस्ट देना होता है। इसी के चलते उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। ये सस्पेंशन तब तक लागू रहेगा जब तक वो अपना टेस्ट नहीं देते और उनके बॉलिंग एक्शन को वैध नहीं पाया जाता। ICC का ये फैसला उस समय आया जब अंबाती रायडू न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद न्यूजीलैंड में भी धमाल मचा रही भारतीय टीम के लिए रायडू पर ये बैन का फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।